वेलकम टू NIA. आई होप एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली विजिटेड टू जर्मनी फॉर G7 समिट. इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे PM मोदी मीटिंग्स विद वर्ल्ड लीडर्स. आफ्टर दैट व्हाट इज G7 समिट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इज इंडिया अ पार्ट ऑफ G7 समिट. वेल यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट G7 समिट. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले डिस्कस करते हैं PM मोदी मीटिंग्स विद वर्ल्ड लीडर्स. देखिए, सबसे पहले PM मोदी मिले यूरोपियन यूनियन की चीफ से. PM मोदी ने डिस्कस किया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर. आफ्टर दैट PM मोदी मिले कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडियो से. PM मोदी ने कनाडा के PM से बातचीत करी. इंडिया कनाडा की फ्रेंडशिप पे बात हुई और वेरियस सेक्टर्स पे डिस्कशन हुआ. उसके बाद PM मोदी मिले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोको विडोडो. जोको विडोडो के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुलाकात की G7 समिट के दौरान. आफ्टर दैट PM मोदी मिले जर्मन चांसलर से. जर्मन चांसलर है ओलाफ स्कॉल्स. इन्होंने वेलकम किया PM मोदी का G7 समिट में और PM मोदी ने इनको थैंक यू बोला जर्मन चांसलर को और ये बोला कि बहुत वार्म वेलकम हुआ जर्मनी में PM मोदी का. उसके बाद PM मोदी मिले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा से. आफ्टर दैट PM मोदी मिले जो कि PM मोदी के वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड इमैनुअल मैक्रोन से मिले. चाय पर चर्चा हुई. PM मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने साथ मिलकर मीटिंग करी. उसके साथ साथ उन्होंने चाय भी पी. आफ्टर दैट PM मोदी की मुलाकात हुई. PM मोदी की मीटिंग हुई USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ. अब PM मोदी ने G7 समिट में क्या कहा. देखिए, PM मोदी ने हाईलाइट करा, बताया दुनिया को इंडिया का एफर्ट्स ग्रीन ग्रोथ के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एंड ग्लोबल वेलबींग के लिए. और PM मोदी ने बताया कि इंडिया बहुत ही डेडिकेटेड है क्लाइमेट कमिटमेंट्स के लिए. और उन्होंने बोला वी हैव ऑल्सो टॉलरेटेड सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी. नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकॉनमी इन द वर्ल्ड. 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया बट आवर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन इज ओनली 5%. ये कहा PM मोदी ने. आफ्टर दैट PM मोदी ने कहा कि जितनी भी G7 कंट्रीज है उनको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया के एफर्ट्स को, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर उभर रहा है. क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इंडिया एक मार्केट बन रहा है. और PM मोदी ने बताया इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर ऑपरेटेड एयरपोर्ट और इंडियाज़ ह्यूज रेलवे सिस्टम विल बिकम नेट जीरो इन दिस डिकेड. अब उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज G7 समिट. देखिए, G7 समिट क्या है आपको बताते हैं. G7 समिट मींस ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. इसमें है इंक्लूड जोन सी कंट्री हैं इसकी मेंबर्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. जो इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो होती हैं लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज और वेल्थीएस्ट लिबरल डेमोक्रेसी. मतलब जो बहुत अमीर कंट्रीज होती हैं, बड़ी इकोनॉमी होती है, वो इसकी मेंबर होती हैं. और इस साल जो G7 समिट हुआ है 2022 का, इसमें लॉन्च किया है 600 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान. G7 कंट्रीज के जो मेंबर है उन लोगों ने लॉन्च किया है 600 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान. अब इसके बाद G7 में जो डिस्कशन हुआ वो हुआ ग्रोथ रेट्स है. कुछ कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट्स कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेंजेस आ रहे हैं. ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वार हुई है, उसके पास सही सप्लाई में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत सी कंट्रीज़ में. इसमें डिस्कशन करा, ये खुद बताया जर्मन चांसलर ने, ओलाफ ने. उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया G7 समिट का पार्ट है. वेल, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7 समिट. तो क्यों PM मोदी जर्मनी गए. देखिए, जर्मन चांसलर ने इनवाइट किया था इंडिया को एज अ पार्टनर कंट्री. अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अर्जेंटीना को इनवाइट किया था, इंडोनेशिया को इनवाइट किया था, सेनेगल को इनवाइट किया था एंड साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया था. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच टू ऑल अवर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.